अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। ये हमने अस्तल और कपड़े को दोनों को जोड़ लिया है। यहाँ से हमने इसमें सिलाई लगा ली है दोनों साइड। इसी तरीके से ये टुकड़े हैं, इन पे भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको सिंपल तरीके से जोड़ना चाहें तो इसको इसके ऊपर रख के हम इसको जोड़ भी सकते हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे तो जो हमारे बगली वाले टुकड़े हैं यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए कपड़े को हमें तिरछा करके, जैसे हम गले पे पाइपिंग लगाते हैं उसी तरीके से हमने कपड़े को तिरछा करके पाइपिंग काटी है। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। जैसे हमारी ये गोलाई है उसी तरीके से हमें इसके ऊपर ये पट्टी रख के सिलाई लगानी है। यहाँ से हम पतली पाइपिंग बनाएंगे और कपड़े को अंदर की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे की साइड से इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें एक इंच कपड़े को दबाना है नीचे की साइड से। एक इंच की चौड़ाई लेंगे। इसको हम इसलिए दबा रहे हैं कि यहाँ तक दबाना है फिटिंग के लिए। यहाँ से हमारा यहाँ पे फिटिंग आ जाएगा। 3 इंच की लंबाई रखेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 3 इंच की लंबाई और 1 इंच यहाँ पे हमें प्लेट की तरह, जैसे हम प्लेट के लिए नीचे की साइड कपड़े को दबाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच कपड़े को, अब इसी तरीके से दूसरी साइड जोड़ेंगे। अब हम इसको डबल करेंगे। यहाँ से हम इसकी लंबाई 6 इंच के आरोमल में यहाँ पे अच्छे से इसमें गोलाई से शेप देना है। अब हमने 1.5 इंच की चौड़ाई ली है पट्टी की, इसके ऊपर रखेंगे और इसको अंदर की साइड दबाएंगे। अब हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। पीछे के पल्लर पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अस्तल और कपड़े को जोड़ लिया है, नीचे से भी सिलाई लगाई है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। अब ये हमने कपड़े की चौड़ाई ली है 5 इंच की। अब ये कपड़े को डबल करके हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से इसकी लंबाई 1 इंच की रखी है पट्टी की ज़्यादा, उसको हम अंदर की साइड दबाएंगे और इसको भी अंदर की साइड। यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। अब हमने अस्तल लिया है, 1.5 इंच की चौड़ाई है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे सीधे के ऊपर। अभी हमने अस्तल लिया है, 1.5 इंच की चौड़ाई है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम सीधे के ऊपर, इसको हम अंदर की साइड दबाएंगे। अभी हमारा पीछे की प्लेट का निशान लगा हुआ है, इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट की चौड़ाई हम 1/2 इंच की रखेंगे। अब हम इसमें आगे का पल्ला जोड़ेंगे। पहले हम इसको यहाँ से नापेंगे और पहले शोल्डर को, अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे फिटिंग का। जितनी हमें फिटिंग करनी है उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1-1 इंच हमने गुंजाइश रखी है तो 1-1 इंच। यहाँ से हम 1/2 इंच खुला रखेंगे बाजू जोड़ने के लिए। अब ये दूसरी साइड भी निशान लगाना है। अब हम ये कमर को नापेंगे। यहाँ से जैसे हमारी कमर 28 है,
यहाँ से 28 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी लंबाई कमर की यहाँ तलक हो रही है, तो ये हमारी 3 इंच ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे कमर पे सिलाई लगाएंगे, 1.5 इंच निशान लगा लेंगे और इसको हमें तिरछा इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरी साइड अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे और ये पीछे का जो कपड़ा ज़्यादा है इसको हम अंदर के साथ दबा के इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। अब ये कमर को हम दोबारा से नापेंगे। अब हमारी कमर बराबर है। अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। जैसे मैंने कटिंग में आपको बताया था, यहाँ पे चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये टुकड़े हमें लगाने हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी जोड़ेंगे। अब यहाँ से हमारी बराबर कटिंग होनी चाहिए, बराबर कर लेंगे। अब ये लेस को हम लगाएंगे। बाजू को जोड़ने से पहले हम इसको नापेंगे। अब यहाँ से हमारी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ से हम इसको कम करेंगे। अब ये टुकड़े लगा के हमें ये टुकड़े बराबर करने हैं, इसकी चौड़ाई बराबर नापेंगे आरुमल से, फिर इसको जोड़ेंगे। यहाँ से बाजू को नापेंगे। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें बाजू को रखेंगे और इसको जोड़ेंगे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी बाजू को जोड़ेंगे। अब इसके बाद बाजू की फिटिंग, यहाँ से हम बाजू की मोरी 5 इंच की रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से। अब दूसरी मोरी का नाप भी हम इसी तरीके से लेंगे, इससे पहली वाली मोरी से। अब हमारा जोड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर की साइड दबा हुआ है। अब ये हो गई हमारी बाजू की फिटिंग। अब हम इसमें गले में पट्टी लगाएंगे। गले में हम अस्तल की पट्टी लगाएंगे। यहाँ से हम कपड़े को तिरछा करेंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे पट्टी की। अब इसको हम जोड़ेंगे। ये हमारी पट्टी इस तरीके से कुन्ना है और यहाँ पे कुन्ना नहीं है, तो जो हमारा कुन्ना है वो हमें यहाँ पे जोड़ना है जहाँ पे हमारा कुन्ना नहीं है। अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से बराबर, अब गले के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। सीधा है ये हमारा सीधे के ऊपर। अब हम इसमें आधा आधा इंच का कपड़ा दबाएंगे। अब ये पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे, अंदर का कपड़ा दबना चाहिए। अब यहाँ से पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है तो हम इसको काटेंगे।
उतना ही कपड़ा रखना है जितना हमें अंदर के साथ दबाएंगे। अभी अंदर का कपड़ा भी हमने काट लिया है, अब इसको अंदर के साथ दबा के हम तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम इस पर पहले सिलाई लगाएंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहें तो इसको दबा के अंदर के साथ तुरपाई भी कर सकते हैं। अभी अंदर के साइड पट्टी को हमने दबा दिया है। और यहाँ पे हम काज बनाएंगे, जहाँ पे हमारी ये पट्टी निकली हुई है वहाँ पे हम काज बनाएंगे, और ये अंदर वाली पट्टी पे हम हुक लगाएंगे इस तरीके से। और ये हमारा पीछे का है और ये हमारा आगे का गला है। इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। ये बन गया हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।